भूलकर भी इस दिशा में मत लगाना आईना, पानी की तरह बह जाएगा आपका सारा धन। पति पत्नी में शुरू हो जाएगी अनबन और नकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी घर के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, दर्पण, आईना, शीशा, चाहे अंग्रेजी में आप इसे मिरर कहें, ये सिर्फ आपका चेहरा दिखाने के काम नहीं आता, बल्कि इसका आपकी किस्मत से जबरदस्त कनेक्शन है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में आईने और इसकी दिशा का बड़ा महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार दर्पण आपके भविष्य से जुड़े कई संकेत अपने अंदर छुपा कर रखता है। मान्यता है कि अगर आप आईने को गलत दिशा में रखते हैं और नियमित उसमें अपना चेहरा देखते रहते हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से अपनी किस्मत खराब करते हैं। इसलिए आईने को किस दिशा में रखना शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा, इस विषय में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साधना एस्ट्रो का हमेशा प्रयास रहता है कि आप तक सही जानकारी लाई जाए। तो चलिए देखते हैं आज आपका आईना क्या कहता है। पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा, अगर आपका आईना घर में इस दिशा में लगा हुआ है तो जान लीजिए ये अत्यंत अशुभ है। आप स्वयं नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। आप एक और चीज नोट करेंगे कि आपके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता होगा। यही नहीं, आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पानी की तरह दवाओं में बह जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपने भी ये गलती की है तो तुरंत इसे सुधार लें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उत्तर, उत्तर पूर्व, ईशान कोण और पूर्व दिशा आईने के लिए बेहद ही शुभ है। ऐसे में अगर आपने अपने घर की इस दिशा में दर्पण को रखा है तो ये आपके घर के लिए बहुत ही शुभ है। इस दिशा में रखा आईना न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायता देता है, बल्कि आपकी आय के भी कई विकल्प लेकर आता है। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर दर्पण गलत दिशा में लगा हुआ है और आप उसे जगह के अभाव में हटा नहीं सकते, तो आईने के चारों कोनों पर या उसके बीच में एक ऊर्जा युक्त पिरामिड लगाकर नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोकने का प्रयास करें। आजकल मॉडर्न दिखने के चक्कर में कई लोग अपने बिस्तर के सामने आईना लगा देते हैं, तो ये बहुत ही गलत माना जाता है। रात को सोते समय आईने में आपकी परछाई अगर दिखाई देती है तो जान लीजिए घर के स्वामी की सेहत और वैवाहिक जीवन में कष्ट बने रहते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा किया है तो तुरंत इसे सुधार लें, क्योंकि ऐसा करना वास्तु के अनुसार अशुभ है। पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकता है। यही नहीं, आपको हमेशा सिरदर्द की समस्या बनी रह सकती है। दोस्तों, वास्तु में दर्पण का आकार भी बहुत ही महत्व रखता है। गोल आकृति का दर्पण घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जबकि आयताकार या फिर वर्गाकार दर्पण घर में रखना अति शुभ और फलदायी माना जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी घर में टूटा हुआ या फिर धुंधला दर्पण नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकने के लिए आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर ले आएं, इसे आईने पर त्रिशूल बनाकर उसे सही दिशा में रखें। कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में है तो आपको प्रवेश द्वार के अंदर की तरफ एक शीशा लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से बाहर से आने वाली नेगेटिव शक्ति बाहर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा दर्पण विशेष कार्यक्रम कैसा लगा? आपके घर में किस दिशा में शीशा लगा है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।